स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर्स। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करें और वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करें, ये दोनों इक्वल आने चाहिए और नॉट इक्वल होने चाहिए जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनसे। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। अब पहले दो ले लेंगे, यू विल गेट के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर विल कम इक्वल टू 12 इंटू 3 36। सो के विल कम इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब के की वैल्यू प्लस के लिए देख लेंगे और माइनस 6 के लिए देख लेंगे। जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो आंसर होगा। सपोज के इज इक्वल टू 6 रख लिया, इधर आ जाएगा 6 माइनस 3 ओवर के, के की वैल्यू 6 ही रखेंगे, 3 अपॉन 6 आ गया इक्वल टू 3 अपॉन 6, पर ये नॉट इक्वल आना चाहिए तो के इज इक्वल टू प्लस 6 नहीं लेंगे। अब के इज इक्वल टू माइनस 6 लिया, इधर आ गया 3 ओवर के की जगह माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 ओवर माइनस 6, इधर आ गया 3 अपॉन 6 माइनस में माइनस 9 ओवर माइनस 6, इधर माइनस हाफ आ रहा है और इधर 3/2 आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स के इज इक्वल टू माइनस 6 इज द आंसर। थैंक यू।